आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा में एक सप्ताह में भिन्न भिन्न थाना क्षेत्र में लव जिहाद के 3 मामले आए सामने। जिलाधिकारी से मुलाकात न होने के उपरांत हिंदूवादी संगठन के लोग बैठे धरने पर। आगरा जिला मुख्यालय पर आज हिंदूवादी संगठन द्वारा आगरा में निरंतर बढ़ते लव जिहाद के मामले को लेकर भारी आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन के लोग अपनी पीड़ा सुनाने तथा लव जिहाद पर अंकुश लगाने हेतु जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी से मिलकर लव जिहाद पर अंकुश लगाने की कर रहे थे मांग। वहीं जिलाधिकारी आगरा अपने ऑफिस में उपस्थित न थे। हिंदूवादी संगठन जिलाधिकारी आगरा से मिलना चाहते थे, जिससे राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल का कहना है कि जब तक हम जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उनको सारी घटना से अवगत नहीं करा देंगे, तब तक हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। वर्तमान में हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। अब आने वाला समय ही बताएगा अवतार सिंह गिल व उनके साथियों की मेहनत कब रंग लाएगी और आगरा में लव जिहाद पर कहां तक अंकुश लगा, ये समय बताएगा। बीपीए न्यूज के लिए आगरा से अनिल पंचौरी की रिपोर्ट। जगदीशपुरा वाले मामले के अंदर 15/6 को एक व्यक्ति को उठाया जाता है, उसको फिर छोड़ दिया जाता है, उसे उठाया किया जाता है और छोड़ा किया जाता है। सर कई साहब से आपने संकल्प यही बात कहता करता है और तीनों में से अभी तक कोई मेन मुजरे में वो गिरफ्तार नहीं हुआ। एक दो गए पूरे नहीं गए। तीन चार जगह बाकी के रह गए। हमारी रिक्वेस्ट है पूरे संगठन की, पूरे हिंदू समाज की, जो अवैध मजार वाले मामले हैं सर, उसको देखिए। एक दो मजार अभी और निर्मित हुई हैं इस माह के अंतर्गत, या तो आप पता लगा लें या फिर उस मजार पर हम जाए सर। आप कहो तो हम आपको पर्सनल में दे देते हैं लिख के कि सर ये हम इस बात की समझते, हम आपको देंगे, किसी और को नहीं देंगे। मजारों को लेकर और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण एक रात एक दिन आने में हमें दाई ने बताई, इन पर मुकदमा लिखा गया अपनी सही मांग को लेकर। एक्सीडेंट प्रशासन की गाड़ियों के भी होते हैं, आम जनता की गाड़ियों के भी होते हैं, पर कोई मजार हटने का नाम नहीं है। हम कुछ करेंगे नजरबंद हम कर दिए जाएंगे, मुकदमे हम पे लिख दिए जाएंगे। मारवा के जिला मुख्यालय मौजूद हैं, देखने को मिला है राष्ट्रीय हिंदू बजरंगदल के विभाग अध्यक्ष भाई अवतार सिंह गिल अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे पूछता हूँ आखिर उनका मकसद क्या है यहाँ बैठने का। गिल साहब, आज जो जिला मुख्यालय पर आप धरना देकर बैठे हुए हैं, इसका खास तात्पर्य क्या है? ये एक हमारे पास में एप्लीकेशन है जिसमें साफ लिखा हुआ 15/6 को लव जिहाद करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया फिर छोड़ दिया गया। हमने पुलिस प्रशासन से वहाँ पे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं काटा, अगर नहीं काटा तो FIR में लिखा है, तो FIR की कॉपी मीडिया के सामने और जो हमारे पास प्रार्थना पत्र है उनको मिला मैच करा जाए, अगर नहीं काटा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर काटा है तभी तो आप हमें दिखा नहीं रहे हो। आप यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बैठक कर रहे हैं, आप लव जिहाद के कारण या जो बराबर जो केस बड़े चलते आ रहे हैं उसका अंकुश न लगने के लिए बैठे हुए हैं? मुख्य कारण लव जिहाद का है। सबसे पहला मामला हरिपुरा थाने पर आया, दूसरा मामला थाना सजापुर में आया, कल जगदीशपुरा में आया, एक हफ्ते के अंदर 3 लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये प्रशासन से आपने कहां तक अपनी जो है पीड़ा बताई या अंकुश लगाना प्रयास? बताते ही आ रहे हैं, ज्ञापन देते जा रहे हैं, प्रार्थना पत्र देते जा रहे हैं, जब कुछ उसका नहीं हो रहा तो क्या ज्ञापन दे, क्या प्रार्थना पत्र अधिकारियों को? अब क्या आपकी आगे रणनीति है? और रणनीति जब तक जिलाधिकारी महोदय स्वयं नहीं आते हैं और हमें लिखित में आश्वासन नहीं देते हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये थे राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष अवतार सिंह गिल, जो यहाँ जिला मुख्यालय पर धरना देकर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि
आगरा में लफ्जात के मसले बराबर निरंतर बढ़ते चले आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने में कामयाब होता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हम लोग यहाँ से जब भी उठेंगे तो हम अपनी व्यथा को लेकर जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिल लेंगे, चाहे इसके लिए हमें 2 दिन 4 दिन क्यों ना बैठना पड़े। अब देखना यह है कि कब तक लफ्जात पर अंकुश लगाते हुए प्रशासन कार्रवाई करेगा या आगे आने वाला समय बताएगा। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ मोहम्मद दीन भारती, BPN न्यूज़ आगरा।